वेलकम टू माई YouTube चैनल माइनिंग माफिया। अंडरग्राउंड मेटल माइन के सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेस डेवलपमेंट मेथड के बारे में। वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस डेवलपमेंट मेथड्स के बारे में। इस सीरीज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओपन रेजिंग, टू कंपार्टमेंट मेथड, रेजिंग बाय लॉन्ग होल ड्रिलिंग, एलिमैक रेस क्लाइंबर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस बोरर्स के बारे में। आपको इस सारी वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करें ड्रॉप रेजिंग मेथड में आने वाली वीडियोस में। देखते हैं रेस बोरर में। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी कंडीशन देखेंगे। ये जनरली डिपेंड करता है, जो लेंथ होता है रेस बोरिंग का वो डिपेंड करता है मशीन कैपेसिटी के ऊपर, जो कि यहाँ पे 900 मीटर लिया हुआ है एंड इंक्लाइनेशन 70 डिग्री टू 90 डिग्री, क्योंकि ये ड्रिल होता है, एक काफ़ी वाइड डायमीटर ड्रिल होता है, इसलिए वर्टिकली ये रहता है। सबसे पहले हम लोअर लेवल एंड अपर लेवल ड्रॉ करेंगे, तभी हम कोई रेस बनाएंगे। उसके बाद अपर लेवल जो रहेगा वहाँ पे हम बोरिंग मशीन रखेंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हम रिमिंग जो प्रोसेस होती है रेस बोरर में, वो अपर लेवल से लोअर लेवल भी जा सकते हैं या लोअर लेवल से अपर लेवल तक। अगर हम अपर लेवल से लोअर लेवल को एक्सेस कर रहे हैं ड्रिल करके, रिमिंग करके, तो उसे हम कहेंगे डाउन रिपिंग मेथड। अगर वही हम बैक रिमिंग कर रहे हैं, मतलब पायलट होल ड्रिल करके फिर लोअर लेवल से अपर लेवल को अटैच कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे अप रिमिंग मेथड, जिसमें नीचे से ऊपर तक उल्टा रिम करते हैं। रेस बोरर में सबसे पहले एक पायलट होल ड्रिल होता है, जिसका डायमीटर 230 mm to 300 mm होता है। पायलट होल एक तरह से गाइड होल का काम करता है, जो ड्रिल रॉड के थ्रू, ड्रिल रॉड एंड ड्रिल बिट के थ्रू ये ड्रिल होता है। ड्रिल बिट कटिंग हेल्प करने में हेल्प करता है और ड्रिल रॉड कनेक्शन करता है फ्रॉम बोरिंग मशीन टू ड्रिल बिट। फिर ड्रिल बिट रिमूव करके हम रिमर लगाते हैं अप रिमिंग प्रोसेस में, या ये अप रिमिंग प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं रेस बोरर में। रिमर लगाते हैं ड्रिल बिट रिमूव करके। रिमर कुछ इस तरह का होता है, ये टंगस्टन कार्बाइड या टाइटेनियम इंसर्टेड बिट रहती है। ये जो रोलर आप देख रहे हैं, टीथेड रोलर, वो ये आप देख सकते हैं एक स्टोप की है। फिर बैक रिमिंग करके हम रेस डेवलप करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद मशीन को यहाँ पे डिसेंबल कर देंगे, ये आपका रेस बन जाता है। ये आप मेथड दे सकते हैं, पहले पायलट होल ड्रिल होता है फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में बैक रिमिंग होता है, और बैक रिमिंग के साथ साथ मकिंग भी मेरा चलते रहता है, साथ साथ मकिंग ऑपरेशन जो रहता है साथ साथ चलते रहता है। यहाँ पे जो ड्रिल स्पीड होती है, अगर हम पायलट होल ड्रिल कर रहे हैं तो 2 to 3 meter per hour की ये ड्रिल रेट रहता है हम लोग का। अगर बैक रिम करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर बैक रिम करते हैं डायमीटर बढ़ा के, तो 1 to 1.5 meter per hour का ड्रिल रेट रहता है। स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, जो शेप रहेगा ऑब्वियसली वो सर्कुलर ही रहेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन यहाँ पे यूज हो रहा है। डायमीटर ऑफ रेस ये डिपेंड करता है मशीन कैपेसिटी पे, 8 meter भी ये हो सकता है, लेकिन जनरली 1 to 5 meter ही होता है। डायमीटर ऑफ पायलट होल ये 200 mm to 300 mm होता है, जो फर्स्ट इनिशियल बीट के साथ जाता है। वर्किंग ऑपरेशन हम लास्ट में वीडियो है वो डिस्कस करेंगे। ये तीन फेज में आप देख सकते हैं, ये सरफेस पे भी ये हो सकता है, या अंडरग्राउंड में अपर लेवल में सेट करके कर सकते हैं, या सरफेस पे भी, जैसे कि वेंटिलेशन शाफ्ट भी ड्रिल करने में ये यूज हो सकता है, सरफेस से डायरेक्ट अंडरग्राउंड तक। फिर नीचे रिमर सेट करेंगे बिट रिमूव करके, फिर फाइनल प्रोसेस में बैक रिमिंग करके ऊपर तक एक शाफ्ट बना सकते हैं इसके थ्रू।
एडवांटेजेस में देखते हैं, ये काफी कंटिन्यूस मोशन है, ये कंटिन्यूस वे ऑफ मेकिंग रेस मेथड है, तो ये ड्रिल काफी फास्ट होता है, इसमें सुइटेबल फॉर लॉन्ग रेस 900 मीटर जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है। नो वेंटिलेशन रिक्वायर्ड क्योंकि कोई मैन पावर काम नहीं कर रही, पूरा मशीन ही यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसलिए ये जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे मेरा फेस, वहाँ पे वेंटिलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेस मैन पावर रिक्वायर्ड, नो ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड क्योंकि ये कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस मेथड है। सेफ वर्किंग कंडीशन, मैन पावर नहीं है, ऑपरेशन कॉस्ट इज लो, एज जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है रेस का ऑपरेशन कॉस्ट उतना लो हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें, काफ़ी हाई इनिशियल कॉस्ट हम लोग को पहले लगाना पड़ता है मशीन को लाने में, जो इसका प्रोवाइडर रहेगा उससे, फिर असेंबल करने में, फिर सरफेस अरेंजमेंट्स की जो भी रहेगी वो सब। पायलट थोड़ा डेविएशन होने का चांस है, मतलब डेविएशन मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना, मतलब हट जाना, जो कि अनइंटेंशनली होता है, या वो डिपेंड करता है हाई प्रेशर के चलते भी होता है, हाई पुल डाउन फोर्स के चलते भी होता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं डेविएशन की। हाई पावर कंजप्शन, हाईली स्किल मैन पावर रिक्वायर्ड, जैसे कि यहाँ पे जो ड्रिलर्स होते हैं वो काफ़ी हाईली स्किल्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें सडन चेंजेस इन स्ट्रेटा जो भी होती है उन्हें ग्रैब करना रहता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिसीजन लेके फर्दर ड्रिल करना रहता है। मेंटेनेंस ऑफ फ्यूमर इज टाइट टाइम टेकिंग प्रोसेस, अगर आपकी रीमर की बीट भी कई बार खराब हो जाती है, टीथ घिस जाते हैं, वियर एंड टियर हो जाती है, जिसके चलते उसे चेंज करना पड़ता है, तो काफ़ी वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसे नीचे उतारना, वापस उसे डाउन करना रहता है, फिर डाउन करके रिमूव करना पड़ता है बीट को, फिर उसके बाद नया बीट लगाना पड़ता है, फिर आपका प्रोसेस वो कंटिन्यू स्टार्ट होगा।
So guys, thanks for watching our channel and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि माइनिंग का टेम्पो हाई है.